हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू डिफेंस स्टडी कैप्सूल और मैं वापस आ गया हूँ अपनी सेकंड वीडियो के साथ ऑन एसएसबी एक्सपीरियंस टुडे वी विल टॉक अबाउट द स्टेज टू ऑफ द एसएसबी प्रोसेस दैट इज़ द जीटीओ टास्क सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द जीटीओ टास्क तो शुरू करते हैं आज के प्रोसेस के साथ एंड टुडे आई ऑल्सो मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस लाइन डेट आई कीप ऑन राइटिंग इन माई थमनेल तो इसका क्या मतलब है मेक योर नेक्स्ट एस एस बी और लास्ट एस एस बी सो सबसे पहले जो मैं मानता हूँ इस लाइन से इज दैट विच एवर अटैम्प्ट यू आर गिविंग आप कोई सा भी अटैम्प्ट दे रहे third attempt हो चाहे वो थर्ड अटैम्प्ट हो फिफ्थ अटैम्प हो फर्स्ट अटैम्प्ट हो अपना लास्ट अटैम्प्ट बनाइए सो इस एस एस बी में जिसमें मैं गया था अभी थर्ड अटैम्प में उसमें मैंने यही सोच के गया था कि मैं इस एस एस बी को अपनी लास्ट एस एस बी बनाऊँगा आई एल मेक दिस एस एस बी माई लास्ट एस एस बी सो यही गोल लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड आई विल मेक दिस वे इजियर फॉर यू सो टुडे आई विल बी शेयरिंग द पार्ट टू ऑफ माई एक्सपीरियंस सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो सबसे पहले जो स्टेज टू होता है एस एस बी का वो क्या होता है वो होता है जी टी ओ टास्क सो जी टी ओ टास्क इन एस एस बी आर डिवाइडेड इन टू सेवरल टास्क डेट आर कंडक्टेड इन टू डेज ये टास्क दो दिन में कराए जाते हैं जी टी ओ वन एंड जी टी ओ टू सो इन जी टी ओ वन और जी टी ओ टू में कितने टास्क होते हैं दैट आई एल मेक यू अंडरस्टैंड सो जी टी ओ वन एंड जी टी ओ टू को मिला के टोटल नाइन टास्क होते हैं सो दीज नाइन टास्क आर एज फॉलोज ग्रुप डिस्कशन जी पी ई और मिलिट्री प्लानिंग एक्साइज और ग्रुप प्लानिंग एक्साइज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क पी जी टी स्नैक रेस और द ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस लेक्चरेट हाफ ग्रुप टास्क एच जी टी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कमांड टास्क एंड द फाइनल ग्रुप टास्क सो मैंने इनमें कैसे परफॉर्म किया और मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही इस बार और मैंने क्या अलग किया इन सारे टास्क में कि एज अ रिपीटर में रिकमेंड हो गया सो आई आई टेल यू अबाउट दैट सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू हाउ आर ग्रुप वर्ज डिवाइडेड सो इनमें प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बता रखा है कि वी वर फोर्टी सेवन कैंडिडेट्स आउट ऑफ विच ट्वेंटी गॉट स्क्रीनड इन सो ट्वेंटी में से हमें दो ग्रुप बनाने थे जी टी ओ आर ग्राउंडमैन टोल्ड वी वर डिवाइडेड इन टू ग्रुप ऑफ टेन ईच टू ग्रुप्स ऑफ टेन ईच जिसमें एक ग्रुप में सेवन फ्रेशर्स थे सेवन फ्रेशर्स थे और टू स्क्रीन आउट रिपीटर्स थे एंड वन रिपीटर था और जो दूसरा दस का ग्रुप था जिसमें मैं था उसमें टेन के टेन रिपीटर्स थे जिसमें से एक बंदा वो था वो प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट था जो कि एटीन एस से कोर्स वन फोर फोर एन डी ए कोर्स वन फोर फोर के लिए रिकमेंड हुआ था सो so, ये था हमारा सारा स्ट्रक्चर ऑफ एस एस बी सो जो पहला टास्क हमें कराया गया वो था ग्रुप डिस्कशन नाउ आर ग्रुप वॉज डिवाइडेड इन टू टेन टू ग्रुप्स ईच ऑफ़ टेन कैंडिडेट्स सो वी वर टेकन टू द जी टी ओ ग्राउंड्स हमें सुबह के छः बजे ही जी टी ओ ग्राउंड में रिपोर्ट करना था हम लोग जल्दी उठ के अपना ब्रेकफास्ट करके जी टी में चले गए एंड जी टी ग्राउंड्स में हमें जी ने पहले इंस्ट्रक्शंस दिए कि हाउ विल द कोर्स ऑफ कंडक्ट विल बी हैपनिंग इन द लास्ट टू डेज एंड इन द कमिंग टू डेज सो द कोर्स ऑफ कंडक्ट वाज़ एक्सप्लेन एंड वी वर टेकन टू द जी टी ग्राउंड एंड वी वर मेड टू वे वर इन दिस सर्कुलर फैशन सो हमें एक सर्कुलर फैशन में बिठा दिया गया वी वर ग्रुप ऑफ टेन टेन कैंडिडेट्स में सबसे पहले हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए बिठाया गया नाव ग्रुप डिस्कशन में हमें टॉपिक्स प्रोवाइड किए गए ये टॉपिक्स थे तीन पहले तो दो टॉपिक दिए गए जिनमें से हमें एक चूज़ करना था उस पर हमें डिस्कशन करनी थी फिर जी ने हमें एक अपने चॉइस का एक टॉपिक अपने पसंद का एक टॉपिक दिया उस पर हमने डिस्कस किया नाउ हमार मेरी यही स्ट्रैटेजी रही ग्रुप डिस्कशन में कि मैं हमेशा जो भी एस uh, के लिए प्रिपेयर करता था तो मैं जनरल नॉलेज की वीडियो देखता था और मैं राज्यसभा टी वी आर एस टी वी राज्यसभा टी वी एक यूट्यूब चैनल है इसमें एक शो आता है दैट इज़ नोन एज डिस्कशन टुडे दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ग्रुप डिस्कशन इन एस एस बी सो मेरी यही सजेशन uh, होगी सारे कैंडिडेट्स को कि वो एस एस बी के लिए जब भी वो एस एस बी के पहले जाएँ वो आर एस टी वी राज्यसभा टी वी का डिस्कशन टुडे शो देख के जाएँ उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन होती है अ पैनल ऑफ टू पीपल कम इन एवरी डिस्कशन एंड दे डिस्कस अमंग दम सेल्व दैट हाउ इज़ द प्रॉब्लम एंड दे डिस्कस दल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम सो इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द ग्रुप डिस्कशन ऑफ द एस एस बी सो मेरे को इससे बहुत फ़ायदा हुआ जो भी पॉइंट्स वो ग्रुप डिस्कशन में आर एस टी वी के मैंने सुने थे वही मेरे माइंड में आ रहे थे जब भी मैं ग्रुप डिस्कशन के लिए बैठा था तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल सो लेटेस्ट सी वट आर माई टॉपिक्स सो इन माई एस एस बी देर वर टू टॉपिक्स and first topic that we chose was what has been affected by covid-19 the most is it the economy of the country the social life or the work structure of the people so uh, in this group discussion what i laid more emphasis was on economy because economy has been most stuck by the covid-19 crisis so therefore i made certain points i gave about 4 to 5 points in the group discussion

और आप इनिशिएट कर सकते हैं तो डेट इज़ वेरी वेल एंड गुड एज ए रिपीटर यू हैव टू इनिशिएट बिकॉज फ्रेशर्स में इनिशिएशन ना हो तो चलता है बहुत ज़्यादा इनिशिएशन चाहिए होता है एज ए रिपीटर इफ़ यू वॉन्ट टू गेट रिकमेंडेड सो रिपीटर्स के लिए मेरी यही वो एडवाइस होगी कि वो इनिशिएट करें हर लेवल पर बट यू शुड नॉट बी ओवर इनिशिएटिव लाइक यू शुड नॉट बी डोमिनेटिंग इन द ग्रुप डोमिनेट नहीं करना है सिंपल आपको क्या करना है कि इनिशिएट कर दो फोर टू फाइव पॉइंट्स दो दूसरों की भी सुनो अपनी भी सुनाओ सो so, यही है सुनो सुनाओ लाइव बनाओ ठीक है तो यही मोटिव है मेरा कि आपको एक्सप्लेन करना हाउ टू परफॉर्म इन झीट टास्क सो दीज वर माई टॉपिक्स यू कैन नोट दैम एज वेल आगे बढ़ते हैं अगले टास्क के सो जी डी में जब मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक हो गया तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि येस आई हैव गिवन फोर टू फाइव वैलिड पॉइंट्स एंड देयर फोर आई नीड टू परफॉर्म मोर एंड शो माई सेल्फ

और सम लाइक द कोड्स बॉम्बिंग दिस और द कोड्स लूटिंग द जीप और द एस बी आई वैन और द अदर थिंग्स लाइक सम टेम्पल द डॉइट्स किलिंग द प्राइस इन द टेम्पल सो दीज आर मैनी चैलेंजेस डेट यू हैव टू ओवरकम सो हमें भी एक स्टोरी लाइन दी गई थी जिसमें हमें फोर टू फाइव प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी थी और हमने लिखनी थी सो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर कन्फ्यूज दैट कि वो लिखा हुआ जो होता है जो शीट देते हैं जीपी में वो कैसे पढ़ते हैं उसकी क्या क्या उसके मायने होते हैं एसएसबी के लिए मतलब जी चेक भी करता है नहीं या फिर सिर्फ वो सुनने वाला डिस्कशन जो होती है उस पर ध्यान देता है तो मैं बताना चाहूँगा जो वो लिखा हुआ होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर आपने उसे नीटनेस से लिखा है और ऑर्डरली वे में लिखा है तो दैट इज़ वेरी दैट पुट्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द जी टी दैट ही इज़ डूइंग वर्क प्रॉपरली सो ये वेरी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो so, कैसे लिखना है सबसे पहले मैंने क्या किया था मैंने लिख दी थी जी टी ओ ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि यू शुड सॉल्व एवरी प्रॉब्लम सो मैंने लिख दिया कि वी वर अ ग्रुप ऑफ दिस मच पीपल एंड ऑन आर वे टू दिस वी वर वी एनकाउंटर विद दिस मैनी प्रॉब्लम्स एंड वी टुक दिस दिस मैनी रिसोर्स एंड वी सॉल्व प्रॉब्लम्स साइमटेनियसली सो हमने सारी मैंने सारी प्रॉब्लम पॉइंट वाइज सॉल्व कर दी कि ये प्रायोरिटी मेरी है फिर फिर ये ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये प्रायोर्टाइज़ मैंने कर दिया था पहले ही प्रॉब्लम को और पॉइंट वन टू पॉइंट फाइव या फोर तक मैंने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी उसके बाद मैंने क्या किया था टाइम और डिस्टेंस जीटीओ ने मेंशन नहीं किया था तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखा मैंने नहीं लिखा था बहुत लोग कहते हैं टाइम एंड डेट लिखना चाहिए पर जब तक जी ना कहे तब तक बिल्कुल भी पेन यूज ना करें टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम वेस्ट होता है टाइम एंड डिस्टेंस लिखने में अगर जी ने नहीं बोला है तो ठीक है अगर बोल रखा है कि टाइम एंड डिस्टेंस मेंशन करो तो पक्का कर देना एंड अगर आपकी मर्जी है तो आप कर भी सकते हैं दैट्स दैट डजेंट पुट एन नेगेटिव इम्पैक्ट बट ये लगता है कि वो कोज रिस्पॉन्स है तो उसे अवॉइड करना अगर नहीं कहा है तो आगे बात करते हैं तो सारी हमने चैलेंज सॉल्व कर ली उसके बाद होता है जी का डिस्कशन नाउ डिस्कशन में बहुत सारे पॉइंट हुए थे मैंने भी कुछ वैलिड पॉइंट्स दे दिए थे किसी को कॉन्ट्राटिक मत करना दैट्स अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट किसी को कॉन्ट्राटिक मत करो सिंपल बोल दो यस yes, आई योर पॉइंट इज गुड बट आई वुड लाइक टू एडअप माई पॉइंट मैंने तो यही किया था आई एग्री विद यू जेंटलमैन बट आई वुड लाइक टू एडअप माई पॉइंट एंड माई पॉइंट इज दिस तो सिंपली यही बोल दो और आगे बढ़ जाओ एंड सब बहुत लोग कहते हैं कि यू हैव टू गिव द ग्रुप प्लान एंड देट इज़ वेरी गुड फॉर द परफॉर्मेंस इन जी टो टास्क सो मैंने ग्रुप प्लान नहीं दिया था तो ये एक मिथ है कि आप ग्रुप प्लान देते हो तो आप रिकमेंड हो जाते हो हमारे में दिया था चेस्ट नंबर एलेवन ने ठीक है आगे बात करते हैं इसके बारे में इलेवेंथ चेस्ट नंबर ने हमारा ग्रुप ग्रुप प्लान दिया था एंड ही गेव द प्लान वेरी इस प्लान वॉज वेरी गुड एंड वी आर ऑल सेटिसफाइड विद द प्लान सो आई ग्रुप प्लानिंग ऑल्सो एंड वेरी वेल सो आई वॉज सेटिसफाइड विद माई परफॉर्मेंस एंड आई वी मूवड ऑन फॉर द फर्दर टास्क सो द नेक्स्ट टास्क दैट वॉज इन द रो वॉज पी जी टी द प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और इसका बहुत हवा होता है कि भाई प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में कैसे परफॉर्म करेंगे तो मैं अपनी प्रीवियस एस एस बी के बारे में बात कर रहा करूँ तो जो मेरी प्रीवियस टू एस एस बी थी मेरा पी जी टी बहुत ही बेकार गया था माई पी जी टी वॉज नॉट एट ऑल गुड सो इस समय मैंने कैसे इम्प्रूव किया बिना कोचिंग के विदाउट एनी कोचिंग मैंने कैसे इम्प्रूव किया अपना पी जी टी परफॉर्मेंस तो पी जी टी में मैं आगे कैसे आए तो सबसे पहले पी जी टी में मैंने पिछली बार पिछली दो बार से यही चीज़ सीखी कि अगर तुम आगे नहीं जाओगे तो तुम्हें कोई आगे आने नहीं देगा तो मैं क्या करता था मैंने क्या किया इस बार कि जब भी मेरे को मौका मिला तो मैं आगे चला गया और मैं काम करने लग गया सो नो वन वॉज इंटरेप्टिंग मी वाइल आई वॉज डूइंग वर्क बिकॉज आई वॉज डूइंग देयर वर्क दे वर इंस्ट्रक्टिंग फ्रॉम बैकवर्ड्स पीछे से वो ऑर्डर दे रहे थे जैसे ऑफिसर देते हैं लाइक डू दिस डू दिस आई वॉज डूइंग दैट एंड आई वॉज ऑल्सो अपलाइंग माई माइंड ऑल्सो आई वॉज ऑल्सो अपलाइंग माई आइडियाज़ जितने मेरे को आइडियाज़ आते रहे मैंने अप्लाई कर दिए और मैं उनके आइडियाज़ अप्लाई कर रहा था मेरे को आइडिया आ जा रहे थे पिछली बार तक यार मैं पीछे था तो मेरे को आइडियाज ही नहीं आ रहे थे पर इस बार मैं आगे था तो मेरे को स्ट्रक्चर अच्छे से दिख रहा था और मैं स्ट्रक्चर को देख पा रहा था तो मैं एनालाइज कर पा रहा था कि यार यहाँ फंसा देता हूँ यहाँ फंसा देता हूँ यहाँ फंसा देता हूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप आगे तो जाओ एज ए रिपीटर यू हैव टू लीड द ग्रुप और अगर आप लीड नहीं करते हो ग्रुप को तो आप पीछे रह जाओगे जैसे ये लोग खड़े हैं पीछे दिस वॉज माई सीन वैन आई वॉज इन माई प्रीवियस टू अटेम्प्ट एंड दिस वॉज माई सीन आई वॉज वर्किंग बट आई वॉज नॉट कैरिंग एनी हेल्पिंग मटीरियल विद मी ये बात याद रखना कि ये नहीं होता कि जो बंदा ज़्यादा हेल्पिंग मटेरियल कैरी करता है वही लीड करता है और वही क्या बोलते हैं उसे ही ज़्यादा एडवांटेज मिलता है आप अगर हेल्पिंग मटेरियल नहीं यूज़ कर रहे हो पर आप उसे बांधने में हेल्प कर रहे हो या फिर उसे अप्लाई आइडिया को अप्लाई करने में हेल्प कर रहे हो तो यू हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द जी टास्क और द पी जी सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ लीडर एंड सो आपको लीड करना पड़ेगा सो एज अ लीडर यू हैव टू लीड द ग्रुप इन जी टास्क सो जी टी ओ टास्क पी मेरा अच्छा गया हमने चारों के चारों जो ऑब्स्टिकल होते हैं वो पार कर ऑब्स्टिकल कोर्स होता है एक चार ऑबस्टिकल्स का सेट ऑफ ऑप्टेकल्स का वो हमने पार कर लिया था इन द रिक्वायर्ड टाइम हमारा जी था दैट वॉज अ वेरी ही हैड अ वेरी डायनेमिक पर्सनलिटी वॉज अ मेजर रैंक ऑफिसर एंड ही हैड अ वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी एंड ही वॉज एडवाइजिंग अस वेरेवर रिक्वायर्ड एंड ही वॉज अ वेरी गुड जी टी ओ एंड ही वॉज हेल्पिंग अस वेरेवर रिक्वायर्ड and he was also taunting us where, wherever there was problem so he was a good gto he, was advise, he his advices were very good so now i'll continue with my further task so the further task the uh, uh, the second task that after the pdt was the snake race or we call it as a group obstacle race so group obstacle race or the snake race is a very fun experience uh, a fun experience task in the gto series द मोस्ट लवेबल टास्क इन दिटे सीरीज इज द जियो आर ऑर द ग्रुप ऑब्सटिकल रेस और द स्नैक रेस इन दिसक द स्नेक एंड थ्री पीपल हैव टू होल्डिंग एन ऑब्स्टिकल एंड एवरीबडी हैल्ड वैन रनिंग टूअर्ड द नेक्स्ट ऑब्सटिकल सो इट इज अ वेरी फन एक्सपीरियंस विद द जियो आर सो क्या हुआ था जियो आर में सारे टास्क हमने कर दिए थे हमारा वॉर क्राई था वंदे मातरम वंदे मातरम वॉज आर वॉर क्राई एंड वंदे मातरम बोलते बोलते तो भाई गला बहुत दुख गया था वंदे बोल रहे थे मातरम कोई बोल नहीं रहा था या मातरम बोल रहे थे वंदे कोई बोल नहीं रहा था तो ऐसा हो जाता है और जो ये वाला टास्क है जो ये अभी दिखा रखा है इस पिक्चर में इसमें मैं चार बार गिरा था पर आई डेंट लॉस्ट होप एंड मैं पाँचवीं बार चढ़ गया था बिना किसी की हेल्प के खुद ही चल गया था आराम से बहुत ही मेरी हाइट थोड़ी छोटी थी तो मेरे को कुछ टास्क में प्रॉब्लम आ रही थी पर हो जा रहा था वो बहुत ही सिंपल जोश दिखाना होता है आपको इसमें और अपना वॉर कराया बोलते रहिए और दूसरों की हेल्प करिए बस यही है इस टास्क के लिए वो हेल्पफुल नेचर देखते हैं आपका जोश देखते हैं स्टेमिना देखते हैं एंड नेवर गिविंग अप स्पिरिट तो देखते ही आगे बात करते हैं लेक्चर प्रोसेस है वो सेकेंड डे आता है मेरा लेक्चर पहले दिन हो गया था पर कभी कभी सेकेंड डे आ जाता है पर पहले दिन हो गया था हमारा लेक्चर ये एच के बाद होता है तो एच में इसके बाद बता दूंगा पहले लेक्चर की बात कर लेते हैं सो so, लेक्चरट का भी बहुत हवा बना होता है सारे कैंडिडेट्स के मन में कि भाई लेक्चर कैसे करेंगे भाई लेक्चर तो होगा ही नहीं भाई पक्का है नहीं होने वाला भाई लेक्चरट के लिए कितना पढ़ लिया भाई लेक्चर नहीं हो रहा सो so, लेक्चर के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी है सिंपल स्ट्रैटजी लेक्चर के लिए कोई टॉपिक ऐसा जरूरी नहीं है पढ़ना है बंदे बुक खोल के बैठे रहते हैं भाई लेक्चरट आएगा लेक्चरेट आएगा लेक्चर एस एस बी में भी देखो भाई बुक ही पकड़ के बैठे हुए हैं किसी ने एस एस बी क्रैक की किसी ने बालने ही की सबने बुक पकड़ रखी है लेक्चर की लेक्चर की सिंपल स्ट्रैटेजी है कि आप हमेशा ये जो स्टडी आई क्यू की वीडियोज़ हैं और आर एस टी वी जो मैंने बताया आपको राज्यसभा टी वी इनको देखते रहिए इनसे आपको एक माइंड सेट बन जाएगा और आपको लेक्चर रेट में सिर्फ कुछ लाइनें तो बोलनी है स्टार्टिंग लाइन आनी चाहिए बस आपको जो दो मिनट तीन मिनट मिलते हैं आपको वो जो प्रिपेयर करने के लिए उसमें आप फर्स्ट की टू लाइंस प्रिपेयर करो मैं तो ऐसे ही करता था कि पहले की दो लाइन प्रिपेयर करी आगे खुद ही आता रहता था अच्छी पहले की दो लाइन हो गई तो कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्ड हो जाता है और फिर खुद ही आता रहता है कुछ ना कुछ और मेरे चार टॉपिक थे इंडिया इज रूल्ड इन पीस कीपिंग मिशन एक्सेलिजम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और एन तो मैंने क्या लिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भाई सबसे ईजी टॉपिक ले लो भाई और क्या चाहिए ये नहीं है कि हार्ड टॉपिक ले लिया तो कुछ बोल ही नहीं रहे ईजी टॉपिक लो और तीन मिनट धड़ाके से बोल जाओ कॉन्फिडेंस दिखाओ और अपना फ्लुएंसी दिखा दो इंग्लिश में और कुछ नहीं चाहिए जी को खुश हो जाएगा बैठ जाओ सिंपल से आखिरी टास्क होता है डे टू डे वन का चिल करो जाके बस ख़त्म डे वन हमारा यहाँ पे एन भी होता है उसके बाद डे वन हमारा खत्म हो जाता है तो एच जी टी हाफ ग्रुप टास्क पी जी टी का छोटा पार्ट एक ही होता है इसमें ऑप्शिकल पी जी टी की तरह बस एक ही होता है आगे गया थोड़े ऑप्शिकल दोस्तों के साथ सॉल्व किए दोस्तों की हेल्प किए आने में हो गया जल्दी से सॉल्व जी टीओ ने बहुत डांटा बहुत ज़्यादा एरो एरोजेंसी दिखा रहा था टेस्ट करने के लिए ताकि बच्चे डरते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा एरोगेंसी दिखा रहा था बोथ ग्रुप के लिए हाफ में डिवाइड हो गया था हमारा वन टू लेके हमारा सिंपली डिवाइड हो गया था वन टू हमारा हुआ था इलेवन टू लेके के 14 तक एंड मैच नंबर ऑफ़ फोटी फिफ्टीन तक मैच नंबर ऑफ़ फ़ोटीन एंड सिक्सटीन टू लेके के ट्वेंटी तक सो so, ऐसे हमारा डिवाइड uh, हो गया था ग्रुप एंड सो सिंपली डिवाइड हुआ था तो हमारा एच बहुत सही गया था मतलब सिंपली एच उसके बाद पहले दिन हमने चिल कर लिया उसके बाद हमने लाइंस में जाके भी बहुत मस्ती की वो अगले कभी वीडियो बना दूंगा एंड उसके बाद हमारा हुआ था अगले ही दिन हमारा पहला ही टास्क होता है वो होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल इंडिविजुअल ऑब्सटिकल में आपका स्टेमिना देखते हैं सेट ऑफ टेन टास्क होते हैं आपके इसमें थ्री मिनट्स में आपको टेन टास्क करने होते हैं मैंने किए थे टेन प्लस टू जो दो रिपीट किए थे वो मैंने किया था एक किया था मैंने एलिवेशन जम जो भी कहते हैं इसे एक आ, हमें एलिवेटेड आ, एलिवेटेड स्लाइड सी होती है उसमें जम्प करना होता है एंड डैंड वी हैव टू जम्प ऑन अ पिट उसके बाद क्या था मैंने सेकंड जो रिपीट किया था वो था मेरा स्क्रीन जम्प स्क्रीन जम्प भी मैंने रिपीट किया था तो दो रिपीट किए थे मैंने उसके बाद इट्स वेरी इजी टास्क कुछ नहीं होता बहुत स्टेमिना का खेल है और थोड़ा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कौन से टास्क से शुरू करूँ कौन से सेंड करूँ तो ईजी टास्क ठीक है इसके लिए कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रनिंग वनिंग की सिंपली हो जाता है बिना रनिंग के भी जाओ तो ठीक है स्टेमिना दिखाना है और स्ट्रैटेजी बना के जाने की कौन सा पहले करना है कौन सा सेकंड में कौन सा टाइम मैनेज करके ठीक है तो तेज़ भागना है एंड डरना नहीं है किसी भी टास्क में अगर डरोगे तो बाहर निकल जाओगे करेज दिखाना है और सारे टास्क धड़के से हो जाते हैं और कोई इतना बड़ा नहीं होता बर्मा ब्रिज का मेरे को बहुत डर रहता था पहले जब मैं पहली एस के लिए गया था सारा डर निकल गया उसके बाद से मैं कभी नहीं डरा बर्मा ब्रिज पर मैं बर्मा ब्रिज तभी भी लास्ट में करता हूँ आगे बात करते हैं तो सबसे तगड़ा टास्क जो अभी तक का होता है जो इसका सेकेंड टास्क होता है वो होता है कमांड टास्क इसमें अकेले बुला लेते हैं बंदों को और उसके बाद जो जी कराता है काम उसमें तो भाई ऐसे डर जाते हैं बंदे उसके बाद हमें बुलाने पड़ते हैं दो सबॉर्डिनेट्स अपने साथ और फिर उसकी उनकी मदद से हमें एक टास्क सॉल्व करना होता है जी टी हमारा शुरुआत में एक छोटा सा इंटरव्यू भी लेता है सो so, मैं क्या मेरा क्या हुआ था पहले हमारे में था एक रिकमेंडेड कैंडिडेट जो प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट था ही वॉज चेस्ट नंबर सेवनटीन उसको सबसे पहले बुलाया जी ने एंड उसने अपने सबॉर्डिनेट्स बुलाए एंड उसका टास्क हुआ उसको जी टी ने बहुत डाँटा शुरुआत में ही वो डर गया पता नहीं क्या हुआ था उसके साथ उसको बहुत डाँटा और वो आ गया उसका टास्क हो गया था टेन मिनट्स में एट टू तो टेन मिनट्स में उसका टास्क कंप्लीट हो गया था उसका टास्क मॉडरेट लेवल का था उसके बाद बुलाया मुझे आई वॉज चेस्ट नंबर फोटीन चस्ट नंबर फोर्टीन ऐसे लाइन्स मैन ने मुझे ग्राउंड्स मैन ने मुझे कॉल किया और मैं एकदम भाग के गया एंड ही टॉक विद मी ही आज मी अबाउट वेर आर यू कमिंग फ्राम तो और क्या तुम्हारे फादर क्या करते हैं उसके बाद अब तुम्हारी एजुकेशन के बारे में बताओ तुमने ड्रॉप ईयर क्यों ले रखा है तुम्हारा जे ही मेन गोल है उसके बाद तुम्हारी हॉबीज़ क्या क्या हैं और उसके बाद तुम्हारे ब्रदर सिस्टर क्या कर रहे हैं अभी एंड या वेरियस क्वेश्चन अबाउट माई एक्सपर्टीज वट आई एम डूइंग राइट नाउ तो ये सब जनरल क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हें नॉर्मल लेवल पर लाना चाहता था थोड़ा हँसी मजाक भी करेगा बट सिंपल होता है उसके बाद मैंने दो अपने सबॉर्डिनेट्स बुलाए बुलाए वो थे चेस्ट नंबर सिक्सटीन एंड चेस्ट नंबर थर्टीन तो मैंने चेस्ट नंबर सिक्सटीन एंड चेस्ट नंबर थर्टीन बुला लिया उसके चेस्ट नंबर नाइनटीन एंड चेस्ट नंबर थर्टीन सॉरी चेस्ट नंबर नाइनटीन और चेस्ट नंबर थर्टीन को जोर से बुला लिया मैंने एंड जैसे ही मैं आ रहा था मैं भूल गया थोड़ा जैसे ही अ, मेरे को जी ने बुलाया था चेस्ट नंबर फोरटीन जैसे ग्राउंड मैंने बुलाया यहाँ पर जी खड़े थे जी भाई साहब जी सर खड़े थे और यहाँ पर खड़े थे ग्राउंडस और यहाँ पे फुटपाथ था एंड हेयर वॉज द टास्क मैं फुटपाथ से आ रहा था सो जी टी ओ सेट ही गिव मी ही गिव मी अ सिग्नल डेट वाई आर कमिंग ही शाउटेड एट मी एंड सेट दैट वाय आर कमिंग फ्रॉम देयर आर यू रिपोर्टिंग टू द सी एच एम सो दिस वॉज द एक्सपीरियंस ही वॉज टेस्टिंग मी ही वॉज टेस्टिंग दैट आई वुड शो सम शो सम फियर और नॉट आई एल बी हाउ आई एल बी रिस्पॉन्डिंग सो मैंने क्या किया कि मैं वहीं से आता रहा तो जी टी ओ ने बोला कि इससे लांग किया बट आई केम फ्रॉम द फुटपाथ ओनली एंड आई टोल्ड हिम सर आई वॉज कमिंग फ्रॉम द फुटपाथ आई शुड नॉट क्रॉस द जी टी ओ ग्राउंड बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ बाउंड सो ही सेड यस सो ही वॉज टेस्टिंग दैट आई शुड नॉट लूज माई लूज माई सेंसेज सो सेंसिस टेस्ट कर रहा था कि वो फियर में अपने सेंसेस लूज तो नहीं कर देता मैं तो मैं इस रास्ते से गया फुटपाथ से यहाँ पे पूरा आ, मेरा टास्क था सो ही इंस्ट्रक्टेड मी वही सब हो गया उसके बाद मैंने अपने सबऑर्डिनेट बुला लिए सबऑर्डिनेट बुलाने के बाद मैंने क्या किया कि उन्हें इंस्ट्रक्ट किया कि ये हमारा टास्क है और जैसे ही मैं फट्टा उठाने लगा जी टे हो गया वो आ जाती है ज़ोर से कि भाई तेरे को फट्टा पकड़ना नहीं आता क्या और वो हिंदी में लिटरली हिंदी में बोल रहा था कि भाई तेरे को फट्टा पकड़ना नहीं आता मैंने बोला कि मैं मन में सोचा था यार फट्टा पकड़ना किसको नहीं है फट्टा तो उठाना है बस ऐसे पकड़ने हैं तो फिर मैं चलने लग गया मैंने उस उनकी बातों को थोड़ा साइड रखा और मैं काम करने लग गया फिर डायरेक्ट ब्रिजिंग करने लग गया था पहले मैं फिर मैंने एक स्मॉल ब्रिज बनाया फिजिकल फोर्स से पर वो बन नहीं रहा था फिर मैंने दोबारा ट्राई किया फिर वो थोड़ा मेरे को डांटने लग गए वो पूरे टास्क में उन्होंने मेरे को बहुत डांटा मैं थोड़ा डर गया था फिर बहुत डांटने के बाद उसने लास्ट में बिल्कुल सही हो गया मेरा टास्क एंड उन्होंने भेज दिया आई वॉज़ वेरी मतलब कम्प्लीटली ब्लैंक कि क्या होगा अब क्योंकि कमांड टास्क में बहुत डांट दिया था मुझे लग रहा अब तो नहीं होता भाई मेरा बहुत डांट दिया इसने और टास्क औरों का टास्क बहुत स्मूथली हो गया किसी को कुछ नहीं कहा एक चेस्ट नंबर सेवनटीन जो पहले गया था और एक मुझे बहुत डांटा और हमारा टास्क बिल्कुल स्मूथ और सबका टास्क बिल्कुल स्मूथली हो गया था और एक ने मुझे सबऑर्डिनेट बुलाया था ये बहुत लोग कहते हैं कि ज़्यादा लोग सबॉर्डिनेट बनाते तो भाई तू रिकमेंड हो जाएगा भाई मुझे एक नहीं बुलाया था जैसे दट वॉज चेस्ट नंबर नाइनटीन जिसे मैंने बुलाया था मैंने उसे बोला भी नहीं था भाई मेरे को बुलाना उसने मेरे को बुला दिया कि मैंने उसे बुलाया तो चेस्ट नंबर नाइनटीन को आर्मी एज अ सबॉर्डिनेट एंड सबका टास्क अच्छे से हो गया था सो दैट वॉज ऑल विद माई कमांड टास्क फिर होता है एक फॉर्मेलिटी ग्रुप टास्क दैट इज़ द फाइनल ग्रुप टास्क लोग इसे फॉर्मेलिटी ग्रुप टास्क भी कहते हैं फॉर्मेलिटी के लिए होता है भाई ये इसमें कुछ नहीं टेस्ट होता लास्ट में सबका कोऑर्डिनेशन दोबारा ग्रुप को साथ में लाने के लिए उनका कोऑर्डिनेशन चेक कर लेते हैं ये भी इजीली हो गया था हमारा सो दैट वाज ऑल विद माय एसएसबी एक्सपीरियंस ऑफ पार्ट टू पार्ट थ्री में मैं अपना कॉन्फ्रेंस और मेडिकल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कॉन्फ्रेंस और uh, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा पर्सनल इंटरव्यू एंड देन आल शेयर माई मेडिकल एक्सपीरियंस सो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल लाइक बटन को दबा दीजिए